हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू ट्रेंडी स्कॉलर्स। और आज हम एक नई वीडियो के साथ लौटे हैं। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो अपलोड करने में, पर आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर ज़रूर पसंद आएगा। सो जैसे कि जब मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था ट्रेंडी स्कॉलर्स का, मैंने आपसे कहा था कि ये जो चैनल है ये ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करता है और हम आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये उसी तरह का एक वीडियो है जो आपकी लाइफ को थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश करेगा। तो हाल ही में मैं अपनी मम्मा के घर गई थी और मैंने वहाँ पर एक सीरियल देखा। ये उन दिनों की बात है जो कि 90's के एरा को दर्शाता है। एंड जब मैंने वो सीरियल देखा, आई फील सो नॉस्टैल्जिक और इतनी सारी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। और बहुत सारी चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई कि हम कितनी स्पीड से टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट में आगे बढ़ गए, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो पीछे रह गई हैं। सो वो खूबसूरत चीज़ें हमें अपनी लाइफ में वापस लानी चाहिए अगर हम अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल, पीसफुल बनाना चाहते हैं और खुश दिल से रहना चाहते हैं, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी टॉप 5 ऐसी चीज़ें जो 90's के एरा में थी हमारी ज़िंदगी में और हमें अब उसे वापस लाना है और अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करना है। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, जितने भी हमारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है 90's में, वो बहुत ही ज़्यादा अलग होते थे। यू नो, तब एक ट्रिंकिंग से वाला फ़ोन होता था जिसमें ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता था, या जिसे आप कहते हैं लैंडलाइंस होते थे, कॉर्डलेस होते थे, जिन पर कभी कभी घरों में ताला भी लगाया जाता था ताकि उसका ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। और चिट्ठियाँ, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम, इस तरह के मीडियम्स कम्युनिकेशन के लिए हुआ करते थे। आज बहुत एडवांसमेंट हो चुका है, हर हाथ में मोबाइल है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े लोगों तक सब मोबाइल यूज़ करते हैं। ईमेल्स और बहुत सारे जरिए कम्युनिकेशन के आ चुके हैं, लेकिन इससे क्या हुआ है ना, रिश्ते पास आने की जगह थोड़े दूर भी हो गए हैं। हम दूर के रिश्तों से ज़रूर पास हो गए हैं, लेकिन पास जो हमारे लोग हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उनसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप इनकी वजह से बढ़ रहा है। अक्सर आपने देखा होगा, हम लोग सब एक ही रूम में बैठे होते हैं फैमिली में, या हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे होते हैं और इंडिविजुअली अपने अपने फ़ोन में वो लगे हुए होते हैं, अपना अपना फ़ोन वो देख रहे होते हैं और किसी दूर बैठे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं इंसान से, या व्हाट्सएप देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हो गए हैं, लेकिन आपस में बातचीत, बॉन्ड जो है वो कमज़ोर हो रहा है इस चीज़ से। सो मैं ये नहीं कहती कि फ़ोन के कोई फ़ायदे नहीं हैं या आजकल की टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास हमें करना चाहिए कि इससे थोड़ा हम कम कर दें यूज़ करना। यू नो, जब हम अपनी फैमिली के साथ हों, जब हम अपने डियर वंस के साथ हों, अपने दोस्तों के साथ हों, तब फ़ोन को थोड़ा ज़रूरत होने पर ही इस्तेमाल करें। तो फ़ोन का यूटिलाइजेशन जो है थोड़ा सा हमें आई थिंक कम कर देना चाहिए और ज़्यादा टाइम अपने आसपास के लोगों को जानने में और उनके साथ बिताने में लगाना चाहिए। दूसरा चेंज जो अपनी लाइफ में मैं लाना चाहती हूँ जो 90's के एरा में होता था, वो है सोशल मीडिया से परहेज़। यू नो, 90's के एरा में कोई फेसबुक नहीं होता था, इंस्टाग्राम नहीं होता था, इसलिए मुझे लगता है कि लोग अपनी ज़िंदगी में खुश थे, वो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते थे क्योंकि सिर्फ उन्हें अपने से मतलब था। आजकल सोशल मीडिया की वजह से हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर करते हैं, और क्या होता है कि वो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जो हैप्पी पिक्चर्स होती है ना, वो उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है और हम उन अच्छी प्लेजेंट पिक्चरों को देखकर सोचते हैं कि इस बंदे की लाइफ बिल्कुल ही परफेक्ट है, उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सारी प्रॉब्लम्स भगवान ने हमें ही दी हैं, हमारे पास ही इतनी अच्छी बाइक नहीं है, इतनी अच्छी कार नहीं है, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, इतनी एक्सपेंसिव कपड़े या ज्वेलरी नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में ही सारी कमियाँ हैं। थोड़ा सा सोशल मीडिया को अगर हम कम कर दें, अपनी ज़िंदगी में उसका इम्पैक्ट कम कर दें और इस बात को समझ लें, तो हमें अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर लगने लगेगी और हम अपनी ज़िंदगी से खुश रहेंगे। यू नो, बजाय कि दूसरे की ज़िंदगी को देखकर हम जेलस फील करें, हमें अपने रिश्तों को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में वो टाइम जो है वो लगाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दूसरे की लाइफ में इतना ध्यान रखने से। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा फूड, जो उस टाइम पर होता था। यू नो, हम लोगों को अगर कभी बारिश होती थी तो पकौड़े, समोसे, जलेबी, ये सारी चीज़ें हम लोग ज़्यादा खाते थे, और आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब ने हमारे एथनिक फूड की जो है ना, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड होता था, उसकी जगह ले लिया है। सो आई थिंक फ्रेंच फ्राइज़ की जगह टिक्की और पिज़्ज़ा की जगह समोसा कभी कभी यू नो हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ये पुरानी ऐसी चीज़ें हैं, दीज फूड वर लेस हार्मफुल हमारे लिए अगर हेल्थ वाइज भी देखें, क्योंकि हमारे जीन्स ऐसे हैं, हमारे यू नो पापा, दादा ये सब कुछ खाते आ रहे हैं और हम इस चीज़ों से, हमारी बॉडी जो है इन चीज़ों के यूज्ड टू है।
सो अगर ये चीजें हम खाते भी हैं तो हमें इतना नुकसान नहीं करती. प्लस ये हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज जैसे पंजाब में मक्की की रोटी, सरसों का साग, और बिहार में या कुछ पार्ट्स ऑफ यूपी में लिट्टी चोखा, या कहीं पर दाल बाटी चूरमा, साउथ का इडली, अपने ट्रेडिशनल फूड को हमें ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. ये मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम चेंजेस अपने लाइफ में लाएं तो ये बहुत ज़्यादा रूट्स से हमें, हमारी जड़ों से हमें जोड़ती हैं. चौथी चीज़ इसी में मैं कहूँगी, हमारा पहनावा. मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमें कपड़े से इंसान को जज करना चाहिए. मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो आप अच्छी नहीं हैं या आपका कैरेक्टर खराब है, और अगर आप इंडियन कपड़े पहनते हैं तो ही आपका कैरेक्टर अच्छा है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इंसान के कपड़ों से उसकी नीयत का या उसके कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं होता. लेकिन फिर भी एक इंडियन क्लोजेट को ऐड करने में, इंडियन कपड़ों को ऐड करने में मुझे लगता है बहुत ही अच्छा फील आपको आएगा. कभी कभी ट्रेडिशनल कुर्ता पजामा अगर आप पहने, या हम लोग सूट या साड़ी, चूड़ियाँ, बिल्कुल ट्रेडिशनल चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें, तो आई थिंक ये हमारे कल्चर को स्ट्रॉन्ग करता है, हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा फील देता है. यू नो 90's में ये सब चीज़ें होती थी. इवन आप देखेंगे हमारी हीरोइंस भी ज़्यादा ट्रेडिशनल आउटफिट्स जो है वो पहना करती थी. तो आई थिंक ये हमारे कल्चर के लिए बहुत अच्छा है. और अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री जो टिपिकल हमारे इंडियन कपड़े बनाती हैं, डिज़ाइन करती है, अगर हम उसे बचाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हम सब ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, जीन्स, टी शर्ट्स, जो इंडियन ब्रांड्स बहुत ही कम हैं, और फॉरेन से ही हम सारे ये ब्रांडेड कपड़े लेकर आते हैं. तो अगर हम अपनी हैंडलूम इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं और इकोनॉमिकली भी अगर हमने देश के लिए सोचे तो ये बहुत ही अच्छा है. तो इमोशनली भी अच्छा है और फाइनेंशियली भी अच्छा है हमारे देश के लिए. सो पहनावा थोड़ा थोड़ा, मतलब 40% इंडियन वार्डरोब हम रख सकते हैं अपने कपड़ों में. एंड फिफ्थ पॉइंट जो मैं अपनी ज़िंदगी में लाना चाहूँगी 90's से सीखकर, वो है खुशियों के डेफिनेशन. यू नो 90's के एरा में हम भी जब थे, क्योंकि मैं 90's में पैदा हुई हूँ ऑब्वियसली, छोटे होते तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में लोग खुश हो जाते थे. यू नो सिर्फ बारिश आए तो उसमें इंजॉय करके भी खुश हो जाते थे. कभी मम्मी ने बहुत अच्छी सब्जी बना दी तो उससे भी खुश हो जाते थे, हमारी फेवरेट सब्जी बना दी. अगर कॉटन कैंडी, जैसे हम कहते हैं बुढ़ी माई का झाटा, वो बेचने वाला कोई गली में आ जाता था, या आइसक्रीम वाला, तो उससे हम खुश हो जाते थे. जो चिप्स में से टैजोज निकलते थे उससे खुश हो जाते थे. तो छोटी छोटी चीज़ों में हम खुश हो जाते थे. यू नो उस टाइम पर जो हमसे पुराना एरा है, हमारी मम्मी बताती है कि जब हम VCR में मूवी देखने का मौका मिलता था हफ्ते में एक बार, उससे खुश हो जाते थे. तो खुशियों की कीमत ना बहुत छोटी थी. आजकल खुशियाँ इमोशंस से नहीं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ी हुई हैं हमारी ना. हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास महंगी गाड़ी हो, या बाइक हो, या ब्रांडेड कपड़े हो, या बहुत एक्सपेंसिव यू नो वॉच हो, या एक्सबॉक्स हो. ये सब चीज़ें होंगी मटेरियलिस्टिक, तभी हम खुश होंगे. सो आई थिंक इससे थोड़ा सा हमें अपने आप को यू नो खुद माइंडफुली सोच कर बदलना चाहिए कि हमें अपनी खुशी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं, इमोशनल चीज़ों से, छोटी छोटी यू नो लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे जोड़नी चाहिए. तो इन सभी चीज़ों से हमारी लाइफ जो है बहुत बेटर हो सकती है. सो मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रेंडी स्कॉलर्स में हम कोशिश करते हैं आपकी लाइफ को सिंपल, ब्यूटिफुल और खुशनुमा बनाने का. सो ये उसी का मेरा एक प्रयास है. सो मैं ये पांचों चेंजेस अपनी लाइफ में लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी. मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हैं, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी. और अगर आप भी कोशिश करेंगे और आपको लगता है कि जो कुछ मैंने कहा आप उससे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, आपको लगता है ये बातें सही हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी रिलेशनशिप्स आपके पीछे छूट गए हैं, उनको ज़रूर ज़रूर भेजें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ट्रेंडी स्कॉलर्स को. थैंक यू.